अभी लॉकडाउन थोड़ा खुल गया था, थोड़ा चल गया था, अब लॉकडाउन बंद है तो अब चटनी रोटी खा रहे हैं हम लोग अपने घर में। ना कोई कांग्रेस पार्टी, ना कोई जनता पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी भी हमारी मदद नहीं कर रही है। तो सरकार से कोई सहायता मिली इस लॉकडाउन के दौरान? नहीं नहीं बिल्कुल, ना पहले मिली ना अभी मिली। कोई राशन कार्ड वार्ड, खाना पीना कुछ भी? राशन कार्ड में भी पूरा सामान नहीं दे रहे। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई माने नौकरी नहीं है हमारी सरकारी, हम तो रोज़ लाने रोज़ खाने वाले हैं भैया, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास जुड़ा हुआ था वो सब खत्म हो गया है। अब घर में मैं भी हूँ, मेरे चेले नाती भी बीमारी हारी भी सब लगा हुआ है, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। कितने हैं परिवार में लोग? मेरे हैं 17 लोग। कैसे खा पी रहे हैं सारे लोग? अभी तो यही है कि एक टाइम खा रहे हैं, भूखे भी रह रहे हैं, चटनी रोटी खा रहे हैं, मालिक अच्छा रखे। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो देने के लिए आ भी जाते, नहीं तो कोई नहीं, वैसे कोई मदद के लिए अभी तक तो खेरा आया नहीं, पर कभी कभी ये होता है कि कोई ना कोई दे देता है। जैसे बहुत समाज सेवी संस्थाएं खाना बांट रही हैं भोपाल में भी, तो आप लोग तक कोई नहीं पहुँचा? नहीं नहीं, समाज सेवी संस्थाओं ने काफ़ी लोगों की मदद करी, सुनने में आया नर की करी नारी की करी, पर किन्नरों के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं है। अब बीच में लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने पहले भी शायद खाना पीना बांटा था गरीबों के बीच, तो वो कैसे किया था आप लोगों ने? तो हम लोगों ने सोचा था भैया कि लॉकडाउन कुछ ही दिनों का है, 15 दिन का, इतना मालिक की दया थे हमारे पास था, तो हमने जो कुछ जो अति गरीब थे जिनके पास तो बिल्कुल ही खाने को नहीं था, हमने उनकी मदद करी थी, क्योंकि हमारे दिल को सुकून मिला, क्योंकि उनका कौन है, आप लोग हमारे, हम लोग आपकी तो हैं, इसलिए हमने उनकी मदद। समाज में आपके कितने लोग हैं इस तरफ? मंगलवार में 250 किन्नर है। सब एक ही जगह खाते पीते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग इलाके के अलग अलग अपने मुखिया हैं। तो फिर कैसे सब ऐसे ही मांग चांग के, या जो बचा हुआ है वो जो खा पहले रहे से खा रहे। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं है। तो शादी वादियों में जाना बंद हो गया? हाँ अभी बंद है, और साल साल ज़्यादा शादी हुई नहीं लॉकडाउन के पीछे, इसलिए लोग वही तो काम है, कोई की बच्चा होता है, कोई की शादी होती है, तो उनके घर पर जाते हैं हम लोग, यही हमारी रोजी रोटी है। होली दिवाली के फेस्टिवल आते हैं तो चंदा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी ये कोरोना की और लॉकडाउन की वजह से तो बहुत हम लोगों का आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। लॉकडाउन से पहले क्या कैसे कमाते खाते थे? पहले जैसे रोज़ कमाते खाते थे, कोई कमाते खाते थे हम लोग पहले। कितना कमा लेते थे महीने? 50-60 हज़ार। अब वो नहीं हो पा रहा? अब नहीं हो पा रहा, अब तो 10-20 रुपये को मोहताज हम लोग। जैसा बता रहे हैं कि अभी हालत आप लोग की बहुत अच्छी नहीं है, किसी की मदद भी नहीं आई, और अगर लॉकडाउन बढ़ता है आने वाले वक्त में, तो फिर कैसे गुजारा होगा? क्या लग रहा है, डर लग रहा है, क्या लग रहा है भैया? थोड़ा मन में तो डर लग ही रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। हमारा बिजली का बिल 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, हमारे घर में 13,000-5,000 ऐसे बिल दे रहे हैं, हमारे पास खाने को खुद नहीं है, बिजली कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जाके फिर हम क्या करेंगे? लॉकडाउन में बाहर निकलेंगे, घर घर भीख मांगेंगे, 2-2 रोटी मांग के खाएंगे, फिर खाना तो पड़ेगा, पेट दिया तो इंसान ने तो दाना भी दिया होगा कहीं ना कहीं। तो क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं, जब सरकार सबकी मदद कर रही है, गरीबों की कर रही है, औरतों की कर रही है, आदमी की कर रही है, गरीब किन्नरों को भी ध्यान में रख लें, है ना, जैसा आप उनको मदद कर रही हो, आप बोलते हैं अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो किन्नरों को भी दे दें कुछ। गुजरियों का हम लोग का त्यौहार होता है, उसको ना हम लोग मनाते हैं बहुत धूम से, लेकिन अभी के बार ऐसा नहीं मनाया जाएगा। जो हम लोग की गुजरिया होती है, 2 लोग 10 लोग मिल के जाएंगे, दूरी बना के और उनको ठंडी करके आ जाएंगे। ये भोपाल में ही मनाया जाता जी, है जी, भोपाल में मना, आसपास के और भी क्षेत्र है उधर भी मनाया जाता है, पर भोपाल की जो है वही मेन है। तो कितनी भीड़ जमा होती है और क्या करते हैं उसमें? वैसे तो नॉर्मल स्थिति में हज़ारों लोग आते हैं, हर स्टेट से, हर स्टेट के हर शहर से 2-2 1-1 लोग आते हैं, तो हज़ारों में भीड़ हो जाती है। अच्छा, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा।